So we are standing here at Gulbarg Society, which has witnessed the worst massacre in Gujarat in 2002. मेरा नाम कासम भाई अल्लाह मंसूर है. ये दो मकान हैं, दो नंबर और तेरह नंबर. उसमें मेरे घर के 19 आदमी इसमें शहीद हुए हैं. दीवार तोड़ के यहाँ से दीवार तोड़ के सब आके यहाँ मेरे बाकी सात आदमी मरे यहाँ. तो मेरा रोड के दो नंबर का बंगले में 12 आदमी है. मेरे पोता पोती बहुए सब इसमें शहीद हो गए हैं. मेरा नाम मलिक नियाज बीबी है और मैं ओगनेज गांव की रहने वाली हूँ. ओगनेज गांव के अंदर मेरे पास तो बहुत बड़ा मकान था, तो हम लोग वहाँ पर बहुत खुशहाल रहते थे पूरे परिवार के साथ. एक साथ में हम लोग एक बंगले में ही रहते थे हम लोग. और ये 2002 के बाद हम लोग जुहापुरे में आए हैं. वहाँ पर एक दंगा हुआ था कुछ एक साल पहले से. वो लोग थोड़ी थोड़ी तैयारी करते थे, गांव में मीटिंगें करते थे और बता रहे थे कि क्या करना चाहिए मुसलमानों के साथ, कैसा होना चाहिए, मुसलमानों की लड़कियों के साथ क्या होना चाहिए. ट्रेनिंग देते थे हर शनिवार के दिन. एक हनुमान का मंदिर है वहाँ पर. यहाँ पर 2002 के पहले यहाँ पर बिल्कुल शांति थी, न कौमवाद था न जातिवाद था. 2002 के दरमियान यहाँ पर सब सुकून से अपना अपना धंधा कर रहे थे, अपने अपनी रोजी पर जा रहे थे. लेकिन एक ऐसी घटना घट गई जो घटना आज दिन तक मुसलमानों को उड़ा रही है. नाचते भक्ते आ गए यहाँ, जग गया झूम मिले पब्लिक नाथी ऐसे लंबी नाटते आ गए यहाँ पर. फिर वो कैप में 6 महीने रहे. फिर 6 महीने बाद हम भाड़े ऐसी मकान नहीं मिला तो 6 महीने भाड़ा भी भर के रहे मजूरी करके जूतू करके. सरकार से कोई मदद नहीं, ये रिकमेंट वालों ने मकान दिया हमको. कोई पूछने भी नहीं आता आदमी, कोई दिन आता नहीं भविष्य में कि तुमको क्या तकलीफ है कि क्या है. मोदी ने आज दिन तक दिया क्या हम लोगों को है? इतने सब मारे गए, सब हुए, ये मुआवजा मिल रहा, वो मिल रहा, एक को भी नहीं कुछ देने का. हम लोगों के पास इतना पैसा थोड़ी नहीं है जो हम लोग घर बनाएंगे. तो हम अच्छी तरह रह रहे थे सुकून शांति से. उसके बाद ये 2002 का अचानक दंगा हो गया. इसमें हमको बहुत तकलीफ हुई, हमको चोट भी आई और हमारा सब लूट लिया, सामान लूट लिया. हम यहाँ से घर से बेघर हो गए. ऐसे तैसे हम जान बचाते हुए यहाँ से हम भागे. भाग के हम 15 दिन एक गांव के पास एक गांव में हम जाके रहे. यहाँ से करीब 35 किलोमीटर दूर, हाँ 35 किलोमीटर दूर जाके हम रहे. एक ही कपड़े में हमने 15 दिन गुजारे, एक ही कपड़े में. फिर वहाँ से हम वापस यहाँ कैंप में आए अहमदाबाद में. फिर कुछ दिन हम कैंप में रहे. ये बापू नगर अमन चौक एक कैंप लगाया गया था तो वहाँ रहे. वो जो नुकसान हुआ था वो नुकसान की भरपाई नहीं हो पाई है. वो नुकसान में क्या है, गवर्नमेंट ने भी कुछ ऐसा समझो ध्यान नहीं दिया हमारे ऊपर. हमको हिंदुस्तान के अंदर अगर कोई सहारा था उस वक्त, यानी 2002 के वक्त या अब तक, तो वो था सिर्फ हमारे लिए न्याय की प्रक्रिया. क्योंकि बाकी जो लोग थे, राजकीय पक्ष थे या फिर पुलिस अधिकारी और भी सारे जो लोग हेल्प कर सकते थे, वो टोटली मतलब एक तरफ हो गए थे, एक हिंदुत्व के एजेंडे की तरफ हो गए थे. तो ऐसे समय में अगर कोई चीज़ थी हम लड़ सकते थे तो वो था न्याय की प्रक्रिया. अचानक से इतना टोला आया, 10 से 15 हज़ार से भी ज़्यादा पब्लिक आई. हम बाहर गए, बाहर भागते भागते गए. हमारे छोटे छोटे बच्चे थे उस वक्त. हम बाहर जाके पुलिस वाले खड़े हुए थे. पुलिस वालों से कहा ये गरीब बस्ती है, यहाँ कोई को अंदर आने मत देना. तो बोले कि ये देखो पेपर. बोले आपने देखा है पेपर 2002 में क्या किया तुमने गोधरा कांड में, उसी का नतीजा तुम्हें मिलेगा. बोले तुमको हम इस तरह जलाएंगे कि जैसे तुम कोई दिखेंगे भी नहीं, तुम्हारी सूरज शक्ल से भी तुम पहचाने नहीं जाओगे.